फैमिली पिकनिक के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली के साथ आ सकते हैं। भाई साहब गाड़ी वाला गाड़ी को स्कूटी की तरह चला रहा है। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू दी ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ पालनपुर। एक्चुअली सुबह ही निकलने वाला था पर थोड़ा सा काम आ गया और निकलते निकलते अभी लेट हो गया। इट्स ऑलरेडी 2:43 इन द आफ्टरनून और पालनपुर कुछ काम के लिए जा रहा हूँ। साथ में मैंने सोचा कि आपको वहाँ पे कुछ प्लेसेस हैं जिनके बारे में मैंने सुना है, सौरभ वन विहार, गुल कैफ़े, तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं न्यू प्लेसेस को। आज मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ वहाँ पे, सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं पालनपुर। मैं नीचे से जाऊंगा और सीधा सुभाष चौक पे ऊपर निकलूंगा, जाके मार्केट के बीच में से नहीं घुसूंगा। ये मैं पहुंच गया हूं सुभाष चौक। मेरे ख्याल से यही रोड जाता है जहां मुझे जाना है, सौरभ वन विहार। मैंने गूगल मैप नहीं लगाया है बट मोस्ट प्रोबेबली यही रोड जाता है। यहाँ से 1.6 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ टी गार्डन्स के। मेरे राइट साइड में जो पूरे टी गार्डन दिख रहे हैं अभी, जो हैं वो पूरे टी गार्डन हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। लेफ्ट साइड में भी है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। और बादल पहाड़ियों के ऊपर, बादल भाई, फोग एंड बादल, वाह। ये पिकनिक प्लेस है सौरभ वन विहार, जो फैमिली पिकनिक के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली के साथ आ सकते हैं और बहुत ही सुंदर प्लेस है। भाई साहब गाड़ी वाला गाड़ी को स्कूटी की तरह चला रहा है। भाई गाड़ी है स्कूटी नहीं है, धीरे धीरे। भैया ये रोड ऊपर साइड कौन सा हो गया, ये सौरभ वन विहार यही है क्या? ओके थैंक यू भाई, ये पहुँचेंगे। ये मेरी फर्स्ट एवर यूट्यूब व्लॉग है जो आज मैं बना रहा हूँ। 1.5 साल पहले सोचा था कि मैं कभी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा और आज वो दिन है जब मैं एक्चुअली अपने यूट्यूब चैनल के लिए व्लॉग बना रहा हूँ। आज मेरे पास बाइक भी है, कैमरा भी है, ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। और यहाँ देखो नदी में पानी तो कम है पर पत्थरों को देख के ऐसा लगता है जब इसमें पानी का बहाव तेज़ होता तो नदी कितना भयानक रूप होता होगा नदी का। बाबे वाह, चलो देखते हैं क्या है, क्या हम देख सकते हैं, क्या आपको दिखा सकते हैं। कैफेटेरिया सौरभ वन विहार, पहले तो ब्रिज पे चलते हैं। सो गाइज पुल के उस पार एक रास्ता है नीचे जाने का, देखते हैं। यहाँ से नीचे जाना है, देखते हैं। ये पुल बंद है यहाँ से, नहीं तो मैं पुल पे ज़रूर जाता। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ सौरभ वन विहार के अंदर जाके देखते हैं क्या है।
और एंट्री टिकट है एडल्ट का 20 रुपये, यहाँ पार्किंग फी भी बाइक की उन्होंने 20 ही ली है। हाँ जी, टिकट यहीं से मिलेगा, मैं अकेला ही हूँ जी। यह सौरभ वन विहार का साइट मैप, और यहाँ पे है एंट्री गेट, टिकट विंडो, रिसेप्शन, एक्वेरियम भी है, स्मॉल वाटर बॉडी है, कैप्टन सौरभ कालिया की स्टैचू भी है यहाँ पे। अंदर क्या क्या फैसिलिटी या क्या क्या चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, शो चल रहे हैं अभी। देखिए यहाँ जब नदी आती है तो उसका विकराल रूप देखिए, जो नदी का पानी आता है पूरे पत्थर ये नदी के पानी से बह के इधर आए हुए हैं। सो ये है मीन वाटिका एक्वेरियम है ये, तो देख सकते हैं अंदर क्या है, फ्री में है तो देखते हैं। चलो गाइज, अभी हमने एक्वेरियम जो एक्सप्लोर कर लिया, अभी चलते हैं नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट देखते हैं चल के। इसको सौरभ वन विहार कह रहे हैं, वो सौरभ कालिया वन विहार है, जो कि एक आर्मी ऑफिसर हैं जो थे उनके नाम पे, जो कि कारगिल वार में शहीद हुए थे उनके नाम पे है ये सब, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 35 एकड़ पे बनाया हुआ है ये। बोटिंग साइट है मेरे बगल में, सो यहाँ बोटिंग कर सकते हैं। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा प्लेस है फैमिली पिकनिक के लिए। तो तो गाइज, अभी मैंने चाय पीते पीते एक चीज़ नोटिस की, आपको भी दिखाता हूँ मैं। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट पार्टी बाय लेक साइड, अनलिमिटेड स्नैक्स, वेज नॉन वेज, अनलिमिटेड मेन कोर्स,
अनलिमिटेड बॉन फायर, अनलिमिटेड म्यूज़िक। सो अगर कोई यहाँ आके कैंपिंग बोन फायर करना चाहता है कर सकता है, पार्टीज़ कर सकता है। सो एक बार भाई से पूछते हैं, भैया यहाँ पे मीनिंग बोन फायर वगैरह जो लिखा है वो रात को रहने के लिए है क्या? रह सकती है पब्लिक? और स्नैक्स वगैरह यहाँ से मिल जाएंगे आपके सभी? तो पब्लिक जनरली आती है रात को? कभी कभी आती है, डेली नहीं आते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। सो अभी मैंने भैया से पूछा, भैया बोल रहे हैं कि रात को 10-11 बजे तक हम भी कोई भी यहाँ आके पार्टी कर सकते हैं, बॉनफायर कर सकते हैं। और जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं जो बादलों के पास में उधर, वो हैं धौलाधार माउंटेन रेंज। सो धौलाधार माउंटेन रेंज के ही चलते यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहता है, मीनिंग प्लेजेंट रहता है। सो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ नदी के बिल्कुल पास में। सो मैं आपको जिप लाइन दिखाने वाला हूँ, जहाँ से मीनिंग आप इन नदी के ऊपर से इन्होंने बना रखा है जो टूरिस्ट के लिए, जस्ट फॉर दी फन पर्पज़ के लिए, इंजॉयमेंट के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये जिप लाइन है और यहाँ से जाती है जिप लाइन और वहाँ तक जाती है। वहाँ उन्होंने एक छोटी सी पोस्ट बना रखी है, एक साइड का 300 रुपया है और वापस जाके वापस आने का है 500 रुपया। और ये देखिए, ये जो सामने पुल दिख रहा है, देखिए अपने ट्राई कलर के जो पिलर हैं उसके ट्राई कलर में जो हैं शायद आपको दिख रहे होंगे इसमें, तो ये पुल जो है अभी शायद बंद करके रखा। सो गाइस ये तो सौरभ वन विहार के बारे में मैंने आपको बताया है, चलते हैं अभी। पास पहुंचने वाला हूं और अंधेरा भी ऑलमोस्ट हो गया है, और इसी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।